देश में जब खाद्य वस्तुओं में मिलावट किए जाने की अनेक शिकायतें आने लगी, गेहूं, चावल, दालों, तेलों, मसालों, दूध, घी, क्रीम, दही सहित सभी खाद्य वस्तुओं में स्वास्थ्य के प्रति हानिकर वस्तुओं की मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ने लगा। सूखे अनाजों के साथ ही तैयार खाद्य वस्तुओं में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी। कभी कभी तो मिलावटी तैयार खाद्य वस्तुओं के उपभोग से फूड पॉइजनिंग होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे और कई बार तो अनेक लोगों की अकाल मौतें भी होने लगी। तब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और 17 वैज्ञानिक टीमों का गठन करने के बाद खाद्य वस्तुओं की आवश्यक जांच पड़ताल के लिए एक अथॉरिटी बनाई। इस अथॉरिटी का नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI रखा गया। इस अथॉरिटी के जिम्मे सभी प्रकार के खाद्य वस्तुओं की जांच पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ दंड का प्रावधान करने का काम सौंपा गया। उसके बाद से खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरों में कमी आई। उपभोक्ताओं ने भी काफी राहत की सांस ली है। ये है अधिनियम। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन FSS अधिनियम 2006 की धारा 31A और 31(2) के तहत अगस्त 2011 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार देश के प्रत्येक खाद्य कारोबारी के लिए भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के तहत लाइसेंस लेना या पंजीकृत करना आवश्यक हो गया है। पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है। लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण विनियम 2011 द्वारा पूर्ण की जाती है। FSSAI में फूड लाइसेंस लेने अथवा रजिस्ट्रेशन कराने की प्रणाली FLRS पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है। पूरे देश में होता है रजिस्ट्रेशन, मिलता है लाइसेंस। इस प्रणाली को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में सुविधा के लिए शुरू किया गया है। इस प्रणाली से व्यापारी ये भी जान सकते हैं कि उनके आवेदनों पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्य कारोबारियों को ऑनलाइन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। कौन कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन, कौन ले सकता है लाइसेंस? FSSAI में पंजीकरण सभी छोटे खाद्य निर्माताओं के लिए जरूरी है। इनमें छोटे खुदरा विक्रेता, रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले अथवा अस्थायी स्टॉल वाले, लघु अथवा कुटीर उद्योग वाले सभी शामिल हैं, जिनकी साल भर में कुल बिक्री 12 लाख रुपए से कम हो, 12 लाख या इससे अधिक बिक्री और आयकर वाले खाद्य दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। प्रत्येक छोटे दुकानदार को 100 रुपए शुल्क के साथ FSSAI में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। FSSAI की वेबसाइट पर जारी निर्धारित फॉर्म को भरकर आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया। FSSAI के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी RA द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने के बाद खाद्य कारोबारी अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इसके अलावा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लिखित रूप से कारण बताते हुए आपका आवेदन रद्द कर सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी विभागीय निरीक्षण के भी आदेश दे सकता है। यदि 7 दिनों के भीतर निरीक्षण का आदेश दिया जाता है तो भी कारोबारी अपना कारोबार शुरू कर सकता है और उसके कारोबार का निरीक्षण 30 दिनों के भीतर किया जाता है। FSSAI की जरूरत क्यों हुई? FSSAI स्थापना से पहले देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो लागू था और इसके लिए खाद्य विभाग भी था, लेकिन इस विभाग में वो वैज्ञानिक तकनीक और कार्य करने की क्षमता नहीं थी जिससे खाद्य मिलावट को सख्ती से रोका जा सके, इसलिए इस अथॉरिटी की आवश्यकता पड़ी। सरकार ने काफी सोच विचार कर इस अथॉरिटी की स्थापना की, साथ ही इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी जो इस प्रकार है। सभी कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसीकरण कराना, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करना और उन्हें एक स्टैंडर्ड तक बनाना सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक रीति से जांच करने के लिए खाद्य वस्तुओं के नमूने लेकर लैब से जांच करवाना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित पौष्टिक और संपूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करना, उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में मिलावट के प्रति जागरूक करना। FSSAI का मुख्य कार्य। FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना तो है ही, साथ ही बाजार में उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वस्तुओं की निगरानी करना है।
इन वस्तुओं के सैंपल लेकर वैज्ञानिक तरीके से लैब से चेक कराना होता है। इस जांच में FSSAI को यह तय करना होता है कि खाद्य वस्तुओं की क्वालिटी कैसी है, खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल तो नहीं मिलाया गया है, खाने का रंग कैसा है, उसकी महक कैसी है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस खाद्य सामग्री को जब्त करके विक्रेता को दंडित किया जाता है। FSSAI के अधिकारी उपभोक्ताओं से शिकायत मिलने पर अथवा समय समय पर स्वतः ही छापेमारी करके संबंधित खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजते हैं तथा मौजूदा पूरे स्टॉक को जब्त कर लेते हैं। जाँच के बाद यदि परिणाम सही पाए जाते हैं तो स्टॉक को रिलीज कर दिया जाता है, अन्यथा जब्त स्टॉक को नष्ट कराया जाता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्य भी FSSAI द्वारा कराए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: खाद्य संबंधी व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करानी होती है, ऐसा सूचना तंत्र विकसित करना जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा और उससे जुड़ी जानकारियाँ उपभोक्ताओं और कारोबारियों को आसानी से प्राप्त हो सके। खाद्य वस्तुओं की आवश्यक जांच पड़ताल करने वाली लैब का प्रमाणीकरण कराना होता है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त लैबों की अधिसूचना जारी करनी होती है। इन लैबों की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस भी जारी करनी होती है। FSSAI से कितने प्रकार के लाइसेंस जारी होते हैं? रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। छोटे कारोबारी को पहले दिन से ही FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छोटा कारोबारी बिना किसी सरकारी कार्रवाई को पूरा किए ही अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इसके लिए उसको FSSAI से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उसके बाद कारोबार शुरू किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं कारोबारियों के लिए होता है जिनकी कुल बिक्री साल भर में 12 लाख रुपए से कम होती है। बेसिक लाइसेंस, छोटा बड़ा खुदरा फुटकर और थोक खाद्य कारोबारी कोई भी हो जिसकी बिक्री 12 लाख रुपए सालाना से अधिक हो, उसको बेसिक लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसके तहत एक शहर या एक क्षेत्र में कारोबार करने वाले व्यापारी शामिल हैं। कारोबारियों को अपने बेचे या निर्मित किए गए खाद्य उत्पादों यानी फूड प्रोडक्ट के बारे में FSSAI को सालाना 31 मई को अपनी रिटर्न D1 के रूप में फाइल करनी होती है। स्टेट लाइसेंस, ये लाइसेंस उन कारोबारियों को लेना होता है जिनका कारोबार 12 लाख से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपए सालाना से कम होता है। यदि आपके कारोबार की शाखाएं कई राज्यों में हैं, तो उन सभी राज्यों में अलग अलग स्टेट लाइसेंस लेने हो। सेंट्रल लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस उन व्यापारियों को लेना होता है जिनका कारोबार नेशनल लेवल का होता है और उनका कारोबार 20 करोड़ रुपए सालाना से अधिक होता है। ये लाइसेंस उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका व्यवसाय देश के कई राज्यों में एक साथ चलाया जाता है। जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन सभी दस्तावेजों को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही स्कैन कराकर रख लेना चाहिए ताकि आवेदन करते समय उनको अपलोड किया जा सके। आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है। आवेदक की एक ईमेल आईडी आवश्यक होती है, मोबाइल नंबर आवश्यक होता है, आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, आवेदक का निवास संस्थान के पते का प्रमाण पत्र, आवेदक का नया ताज़ा पासपोर्ट साइज का फोटो, कारोबार के बारे में एक घोषणा पत्र, रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस लेने की फीस। छोटे कारोबारियों के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है, इसलिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही 100 रुपए की फीस देनी होती है। इसका भुगतान आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। बेसिक स्टेट लाइसेंस, इस श्रेणी में कई तरह के फूड बिजनेस ऑपरेटर शामिल हैं। उनके बिजनेस के हिसाब से उनकी लाइसेंस फीस निर्धारित होती है। जैसे भोजन सर्व करने वाले FBO के लिए 2000 रुपए फीस है। इसमें स्कूल कॉलेज की कैंटीन, इंस्टीट्यूट केटरर, बैंक्वेट हॉल और खाने की व्यवस्था करने वाले अन्य स्टॉल आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा क्लब, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस जैसे बिजनेस संस्थानों के लिए भी 2000 रुपए फीस तय है। 1 मीट्रिक टन या 10,000 लीटर दूध का कारोबार करने वालों को हर साल 3,000 रुपए की फीस देनी होती है। सेंट्रल लाइसेंस बनवाने के लिए 7,500 रुपए की फीस तय की गई है। ये फीस प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित है। एक साल के बाद लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए पुनः 7,500 रुपए ही फीस देनी होती है। FSSAI का लाइसेंस कितने साल तक वैध रहता है? FSSAI का लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है।
इसमें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके लाइसेंस की वैधता कब समाप्त हो रही है और आपको कब रिन्यू कराना है। उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आप FSSAI की वेबसाइट foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx पर लॉगिन करें। आपके सामने जो पेज खुलकर आएगा उस पर एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन होगा। इस पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। इसमें आपको ये चेक करना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है, यानी आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म सा पेज खुलकर आएगा जिसमें आपसे बहुत सी जानकारी मांगी जाएगी। इनको आपको बहुत ही सावधानी से भरना होगा, जैसे इसमें आपका नाम, कंपनी का नाम, कंपनी या संस्थान का पता, यदि नहीं है तो अपने घर का पता भी भर सकते हैं आप, स्टेट यानी राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम, पोस्टल पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको इसी पेज में नीचे रजिस्टर और कैंसिल के दो बटन दिखेंगे, जिसमें से आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इससे पहले आपको वेबसाइट के होम पेज पर फीस स्ट्रक्चर और दस्तावेजों से जुड़ी लिंक मिल जाएगी जिसमें पूरी जानकारी होगी। उसके अनुसार इस फॉर्म के बाद औपचारिकताएं पूर्ण करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में ऊपर जानकारी दी जा चुकी है। लाइसेंस को रिन्यू करने का तरीका, रजिस्ट्रेशन की तरह लाइसेंस को रिन्यू करने का तरीका भी आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा जानिए। FSSAI की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट खोलें जो आपने रजिस्ट्रेशन के अप्लाई के समय बनाया है। इसके बाद रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर संबंधित लिंक दिखेगा और उसके आगे प्रोसीड लिखा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप वास्तव में रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म अपलोड करना होगा, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आवेदन को चेक करने के लिए एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। उस नंबर से आप अपने आवेदन की कार्यवाही को जान सकेंगे। साथ ही आपको अपनी ईमेल चेक करनी होगी जहां पर आपको विभाग से मैसेज प्राप्त होगा। आपको ईमेल आईडी वही डालनी होगी जो शुरू में आपने डाली है। FSSAI के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने के लाभ। FSSAI में कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराने या लाइसेंस लेने से कारोबारी को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला लाभ तो कारोबारी को सरकारी कानून के पालन करने का मिलता है, अन्यथा कारोबारी को कानूनी कार्यवाही का सामना करना होता है। FSSAI का लाइसेंस लेने से और उसका नंबर अपने प्रोडक्ट पर दिखाने से आपकी कंपनी की साख उपभोक्ताओं के बीच में बनती है। इसका व्यापारिक लाभ कारोबारियों को मिलता है। FSSAI नंबर को देखकर प्रत्येक उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से जांचा परखा जा चुका है, इसमें किसी तरह की मिलावट या गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। FSSAI लाइसेंस लेने वाले कारोबारी बाजार में बिक रहे अन्य लोकल प्रोडक्ट की अपेक्षा थोड़ा रेट बढ़ा भी दे तो लोग उसे इसलिए खरीदना पसंद करते हैं कि ये माल लोकल नहीं है, कंपनी का माल तो अच्छा ही होता है। FSSAI लाइसेंस वाले प्रोडक्ट के ब्रांड जल्दी बनने के अवसर मिलते हैं जबकि लोकल प्रोडक्ट को नहीं मिल पाते। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में लगी स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों को FSSAI के लाइसेंस का लाभ जिस तरह से मिल रहा है, उसी तरह दूसरी कंपनियों या सर्विस देने वाले कारोबारी को भी लाभ मिलता है। FSSAI द्वारा समय समय पर फूड प्रोडक्ट की रेटिंग दी जाती है, उससे भी कारोबारी को लाभ मिलता है। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट या उसकी कंपनी पर हमेशा छापे का खतरा बना रहता है। बाजार में प्रोडक्ट को गिरी नजर से भी देखा जाता है। जुर्माना दंड की व्यवस्था, यदि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर FSSAI के नियमों का उल्लंघन करता है और कोई उपभोक्ता उसकी शिकायत करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान भी है। सभी को समान अपराध के लिए समान सजा दी जाती है। इस सजा में प्रोडक्ट को जब्त करना, नष्ट करना तो है ही, साथ ही नकद जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। यदि कोई व्यवसाय FSSAI के प्रमाण पत्र के बिना चलाया जा रहा है तो उसे खाद्य अधिनियम के तहत सजा दी जा सकती है। इसमें 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना या एक निश्चित अवधि का कारावास भी दिया जा सकता है। खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचने में भी 5,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से सामान बेचने वाले व्यक्ति पर 3,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयात, बिक्री, भंडारण,
पैकिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार कारोबारी पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि तय करना FSSAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।